हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैड गेमिंग टूर्नामेंट 4.0 ग्रुप 2 के मैच स्टार्ट हो चुके हैं। मैच नंबर 1 मिरामार, और हम इस वक्त मौजूद हैं 58 प्लेयर्स के साथ। 17 टीम्स थी टोटल इस रूम में, जिनमें से मेरे ख़्याल से एक टीम जो है वो नहीं मौजूद थी, बाकी सब टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, विच मीन्स बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाला है। और अगर प्लेन का रूट देखें तो हम इस वक्त बिल्कुल मैप का बीच नहीं कह सकते, थोड़ा सा जो है वो बॉटम की तरफ है, पिकाडो के ऊपर से गुजर रहा है। सो यू कैन से सेंट्रल है, काफ़ी सेंट्रलाइज्ड है। सो चांस है कि टीम्स जो हैं वो बोथ मैप के कॉर्नर्स पर जाएंगी। ओके जी, सो लास्ट स्टेज पर कुछ लोग मुझे सब्स्टिट्यूशन का कह रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे हमारा प्लेयर बीमार है, उसकी ये मसला हो गया, उसका वो मसला हो गया, व्हाटएवर। तो मेरे भाई, पहले इन्फॉर्म करना होता है, अगर कोई ऐसा इशू हो जाए किसी के साथ सडन, कोई बात नहीं, हो जाता होता है, लेकिन आप टाइम से इसको इन्फॉर्म क्या करें। रूम बन चुका है, प्लेयर्स ज्वाइन हो रहे हैं, और आप बीच में आके ऐसी बात करेंगे तो मेरे भाई ये दिस इज़ रॉन्ग। ओके, चलें, कोई बात नहीं, आप 3 प्लेयर्स के साथ ही खेल लें। अगर आपकी गेम अच्छी है तो इंशाल्लाह आप 3 प्लेयर्स के साथ भी अच्छा गेम प्ले दिखा लोगे। ओके जी, टीम्स लैंड करना शुरू हो चुकी हैं, और मैं देख सकता हूँ इस वक्त काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो मैप के जो प्लेन का दूसरा एंड था, जहाँ पे प्लेन का रूट ख़त्म हो रहा था, उस कॉर्नर की तरफ आके लैंड किया है। तो काफ़ी सारी टीम्स जो हैं वो मैप के बॉटम कॉर्नर पर आ चुकी हैं। राइट, टीम ब्रैश ठग्स इस वक्त काफ़ी नज़दीक है टीम 2 के, दैट इज़ XAW, आई गेस, यस, इनके काफ़ी करीब हैं, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हम एक फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। BT मारखोर 70 ईयर्स जल्लाद, मेरे ख़्याल से स्पॉट कर लिया है इन्होंने, लोकेशन जानते हैं उस टीम की, काफ़ी जो है वो फायर्स भी हो रहे हैं वहाँ से, काफ़ी जो है सेंसिबली लूट कर रहे हैं, ध्यान से लूट कर रहे हैं। 300 फोनिक्स को एक EM मिल चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली एक नॉक का इंतज़ार करेंगे दोनों टीम्स, जिसने पहला नॉक निकाल लिया वो रश करना चाहेगी यहाँ पर। अगर देखें तो ये दोनों टीम्स इस वक्त सर्कल में हैं, और सर्कल जो है वो उसके ऑपोजिट बना है जहाँ पर ज़्यादा टीम्स उतरी हैं, विच मीन्स के तकरीबन हाफ टीम्स ऐसी हैं जिनको सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा। ज़ियन या ज़ैन, क्या नाम है यार आपका, बताना हमें ज़रूर कमेंट करके। XAW हेल, XAW फैज़ान, काफ़ी क्लोज इन कर रहे हैं यहाँ पर। टीम 6 का एक पेयर इनके बिल्कुल सामने है, मेरे ख़्याल से वो BT हॉक है शायद, मारखोर है, रोड क्रॉस कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, काफ़ी क्लोज इन हैं, एक नॉक का इंतज़ार है। BT मारखोर को शायद उन्होंने स्पॉट कर लिया। यहाँ पर ST वालों की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है, मूव करते हैं टीम ST की तरफ, जिनकी फ़ाइट जो है वो इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है, और इनकी यहाँ पर काफ़ी सारी टीम्स लैंड हुई हैं। यहाँ पर टीम 12 भी हम देख सकते हैं, टीम 4 भी देख सकते हैं जो कि शिकारी है, और इसके अलावा टीम 3 का जो एक प्लेयर भी है वो भी हमें यहाँ नज़र आ रहा है इस वक्त इसी अपने मैप के अंदर अंदर। तो ये टीम्स जो हैं वो एल पोजो में हैं इस वक्त, और इस बड़ी बिल्डिंग के अंदर टीम शिकारी जो है वो पूरी की पूरी है। ST अहमद यहाँ पर TPP लेते हुए, ST मोजो बिल्डिंग के अंदर, पोजीशन अच्छी हुई अगर टीम शिकारी के पास तो नॉट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ग्रेनेडिंग स्टार्ट, ST फादी ने एक को जो है वो कंप्लीट किया है यहाँ पर। टीम 3 मंसूर मलिक इस वक्त काफ़ी पीछे, इनके बिल्कुल एक रोड छोड़ के जो पीछे कंपाउंड्स हैं उनमें टीम 3 भी मौजूद है इस वक्त। स्प्रे हुआ ST फादी पर, ST फादी को नॉकआउट किया AX टोर हमार ने, अच्छा स्प्रे था ये टीम शिकारी की तरफ से, और मुश्किलात बढ़ते हुए टोक्स हमार फिनिश करने के लिए आ रहे हैं, सॉरी टोर हमार, और यहाँ पर रिटेलिएशन फायर हुआ है ST फरहान की तरफ से। उसामा महूद ने ST फादी को फिनिश करने की कोशिश की, लेकिन उसामा महूद को भी नॉकआउट हो चुका है।
एस टी फदी सॉरी फाइट थोड़ी सी मिस कर गया मैं एस टी फदी ब्लीड आउट होते हुए काफ़ी सेंसिबली फाइट ले रहे हैं यहाँ पर टीम शिकारी। अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर टीम शिकारी के सिर्फ जैदी राजपूत बचे हैं जो कि यहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स के लिए यहाँ से जा चुके हैं। तो एसटी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ये फाइट जीत ली है इन नंबर्स गेम कि उन्होंने टीम शिकारी के तीन प्लेयर्स को यहाँ पर किल किया और अपना जो है वो फादी उसको बचा भी लिया। सामने हमारे पास टीम मंसूर है। अब इनका नया नाम मेरे जहन से निकल गया, पुराना नाम इनका टीम मंसूर था। चलें जो भी है इनके साथ अब जो नेक्स्ट फाइट है वो एक्सपेक्टेड है। तो अच्छी फाइट हुई है, टीम शिकारी ने थोड़ा सा जो है वो कोशिश की लेकिन उसामा महूद और इनके बाकी प्लेयर्स जो हैं वो पहला नॉक निकलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट होकर बाहर आ गए और उसकी वजह से जो है वो इनको लॉस हुआ। एस टी फरहान, एस टी अहमद और एस टी फादी तीनों ने एक एक किल्स जो है वो सिक्योर कर लिए यहाँ पर। इसके साथ ही अगर हम देखें तो हमें नेक्स्ट फाइट जो है वो काफ़ी मैप के जो कॉर्नर्स हैं उनमें फ़ाइट एक्सपेक्टेड है हमारे पास। ठीक है, हमें कहीं पर से भी किल फील्ड में अगर नाम आता है तो हम उस तरफ मूव कर जाएंगे। फ़िलहाल टीम्स क्लोज इन हैं काफ़ी लेकिन फ़ाइट कोई भी जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो रही। इसके अलावा हमारे पास टीम वन कहाँ है, किसी को दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा तो यहाँ पर हैं, पहला ड्रॉप इनके पास है, करीब है। नूब वाले ये ड्रॉप क्लेम कर रहे हैं आई गेस। अच्छे खेलते हैं नूब वजी, वाटर ट्रीटमेंट में मौजूद है ये टीम इस वक्त। मैप क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसलिए इतने बड़े सर्कल में हम कोई फाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज टीम्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए काफ़ी इस वक्त तगड़ो करेंगी, सर्वाइवल ज़रूरी है। एसटी का एक और नॉक निकाला, टीम मंसूर के साथ फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है। मूव करते हैं इनकी तरफ, मंसूर मलिक आगे आते हुए। दो प्लेयर्स नॉकआउट हैं, रेजर गोरी क्या कर सकेंगे यहाँ पर देखते हैं। ओपन में आ रहे हैं एस टी फरहान ओपन में और ज़बरदस्त स्प्रे एस टी फरहान का वापस रेजर गोरी को यहाँ पर फिनिश किया। एस टी फरहान ने दो किल्स क्लेम की हैं यहाँ पर और ज़बरदस्त अपने अपने जो साथी है उसको रिवाइव भी दे पाएंगे यहाँ पर, जबकि टीम मंसूर के दो प्लेयर्स अलाइव हैं, एक ब्लीड आउट हो रहा है जो कि फिनिश हुआ। सिर्फ और सिर्फ मंसूर मलिक बचे हैं अब और मेरे ख्याल से मंसूर मलिक की पोजीशन नहीं जानते एस टी फरहान, थोड़ा सा और ऊपर जाते तो नॉकआउट हो सकते थे क्योंकि मंसूर मलिक बिल्कुल अपोजिट बैठे हुए हैं। मंसूर मलिक की पोजीशन बहुत अच्छी है, हाइट पर हैं थोड़ा सा छत पर हैं लेकिन नॉक तब निकालेंगे जब पूरा फिनिश कर सकें मुझे लगता है, वरना यहाँ पर फायर करके अपनी मौत को दावत देना ही है, शायद अपनी टीम के लिए कुछ किल सिक्योर कर सकें। पोजीशन चाहते हैं तो यहाँ से भाग जाएं बिकॉज टीम एसटी जो है वो अपनी सेकंड फाइट भी विन कर रही है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई है। इस वक्त 5 किल्स जो हैं वो सिक्योर कर चुकी है, बल्कि 6 किल्स जो है वो एसटी सिक्योर कर चुकी है और ये पहले ही सर्कल क्लोज होने से पहले ही ये इनकी पोजीशन है। तो ऑब्वियसली जिस टीम को स्टार्ट में ही दो अच्छी फाइट्स मिल जाएँ उस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल, उस टीम की लूट सब कुछ हाई हो जाता है और मंसूर मलिक ने एग्जैक्टली वही फैसला किया। यहाँ पर टीम अल्टीमेट की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है, मूव करते हैं टीम अल्टीमेट की तरफ। टीम 10 है इनके सामने, हम देखते हैं यहाँ पर बबलू सरकार, टीम चर्सी, राइट टीम चर्सी से इनकी फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है। चर्सी इस वक्त नॉकआउट हैं, कोड 9 मुआविया रश करते हुए उनके करीब हैं काफ़ी। अच्छा टीम चर्सी जो है वो काफ़ी स्प्रेड आउट है, दो प्लेयर्स इनके जो हैं वो लेफ़्ट साइड पर हैं, दो ही राइट साइड पर हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है। पांडा इस घर में अकेले हैं, स्प्रे देने की कोशिश की कोड 9 अल्फा को, बच गए हैं। ओपन में बाइक रोका, माविया और अल्फा इकट्ठे जा रहे हैं आगे रश करने के लिए। पांडा इस कंपाउंड के बैक साइड पर, क्या पांडा कुछ कर पाएंगे? एकेएम है इनके पास, देख लिया दो प्लेयर्स को आते हुए,
अच्छा स्प्रे, कोड नाइन अल्फा को नॉकआउट किया, ज़बरदस्त। PSK M09 के सामने आ गए हैं, ज़बरदस्त नॉकआउट। अरे अनलकी, टीम पास नहीं थी, इंतहाई अनलकी। कोड नाइन मुआविया ने विन 94 से फिनिश किया, जो कि एक इंतहाई हल्की गन थी। यहाँ पर एक भी टीममेट इनके साथ होता तो टीम अल्टीमेट के लिए बहुत मुश्किल हो सकती थी। टीम अल्टीमेट यहाँ पर लकी साबित हुई। बबलू सरकार बहुत दूर से आते हुए, चर्सी को रिवाइव मिल चुका है, दोनों चर्सी यहाँ पर मौजूद हैं। यार मजाक नहीं उड़ा रहा आपका, आपका नाम ही है। अच्छा दो चर्सी, दो दो चर्सी एक ही जगह पर, चर्सी स्क्वायर, एक जैसे चर्सी, सॉरी वो एक जैसे कपड़े थे। स्मोक कराकर अपना रास्ता पीछे का बना रहे हैं, जाना चाहेंगे उस कंपाउंड में जो कि सेफ़ जगह है। टीम अल्टीमेट के करीब आ रहे थे बबलू सरकार, देखते हैं यहाँ पर टीम अल्टीमेट को कोई नुकसान दे सकते हैं यानी अगर ओपन में निकलती है टीम अल्टीमेट तो बबलू सरकार M16 4A से कुछ जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स कर सकते हैं यहाँ पर। ज़ोन क्लोज इन करता हुआ और मेरे ख़्याल से इन दोनों टीम्स को जो है वो ज़ोन में जाना है। अपना बूस्ट फुल करते हुए एक प्लेयर नज़र आया है PSK M09 बाइक पर, इनका एक प्लेयर कोड नाइन अल्फा सामने नज़र आ चुका है। बबलू सरकार कुछ कर पाएंगे यहाँ पर, आर मलंग को भी देख सकते हैं, ज़बरदस्त स्प्रे, आर मलंग को नॉकआउट किया यहाँ पर। लेकिन पीछे से देख सकते होंगे एक कोड नाइन मुआविया अंदर बिल्डिंग में है और कोड नाइन मुआविया ने रिटेलिएशन फायर दिया यहाँ पर, बबलू सरकार भी। तो टीम चर्सी जो है वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से यहाँ मर रही है, मैं यही कहूँगा। इनका एक एक प्लेयर जो है वो नॉकआउट निकाल रहा है लेकिन अकेला अकेला है। अगर आप टीम अल्टीमेट को देखें तो वो किसी भी प्लेयर को अकेला नहीं छोड़ रहे, अगर दो प्लेयर उनके बाइक पर निकले थे तो दो प्लेयर यहाँ पर थे, जिससे आर मलंग को रिवाइव भी मिल जाएगा। छत पर हैं, ब्लीड आउट हो रहे हैं, छत का रास्ता ही नहीं मिल रहा इनको। अरे ऐसी छत पर जाते ही क्यों हो कि जिसका रास्ता ना मिले। जोन काट रहा है, टेंशन बढ़ रही है, टीम जोन्स के अंदर क्लोज इन करते हुए नूब वाटर ट्रीटमेंट के आसपास इंतहाई कंफर्टेबल पोजीशन में। तो अगला जोन जो है वो प्रिडिक्ट करने का टाइम आ गया है, जैसे कि हम थर्ड जोन हमेशा प्रिडिक्ट करते हैं। आर मलंग को इन्होंने डेथ होने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर टीम नूब को अगर हम देखें तो इनका जो है वो एक बंदा गाड़ी से नॉकआउट हुआ है, नूब वजी, शायद गाड़ी से छलांग मार दी इसने। हाँ गाड़ी से छलांग मार दी, ज़्यादा जज्बाती हुआ था। तो अगला जोन प्रेडिक्ट करते हैं, मेरे ख़्याल से अगला जोन जो है वो क्लोज इन करेगा वाटर ट्रीटमेंट की तरफ। वाटर ट्रीटमेंट कंप्लीट जो है वो एरिया, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा जोन के अंदर होगा। तो लेट्स सी हमारा अगला जोन जो है वो कहाँ को मूव करता है, प्रेडिक्शन हमने दे दी है। अच्छा जोन प्रेडिक्ट करना भी जो है ये भी एक बहुत अच्छी जो है वो स्किल होती है, आपको कंपिटिटिव गेम्स में जोन के हिसाब से जो है वो बहुत चलना पड़ता है, बिकॉज नंबर ऑफ किल्स अगेंस्ट द ब्लू जोन जो है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपिटिटिव गेम्स। काफ़ी सारे प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी टीम को पॉइंट्स देने के बजाय ब्लू जोन से मर जाते हैं, बिकॉज टीम को जो है पॉइंट्स देना वो मुश्किल, वो काफ़ी फिर पॉइंट्स टेबल पर मसला कर जाता है। तो 15 टीम्स अभी तक जिंदा हैं, विच मीन्स मच फाइट इज स्टिल अवेटिंग, विच मीन्स हैवी फाइट होने वाली है यहाँ पर। कोड नाइन मुआविया अकेले जोन में आ रहे हैं, मेरे ख्याल से पैदल भागते हुए आ रहे हैं, शायद इनको गाड़ी मिल जाए यहाँ पर, जबकि दूसरे दोनों इनके टीम मेंबर्स जो हैं उनको गाड़ी मिल गई है अपने टीममेट को उठा सकेंगे। साइको रामी यहाँ पर जोन से नॉकआउट होते हुए, साइको का स्क्वाड जो है वो टॉप पर है इस वक्त, जोन से नॉकआउट हो गए हैं साइको रामी, टीम मेट्स इनको छोड़ के जा रहे हैं, कोई इनके लिए जो है वो मेरे ख्याल से ऑफलाइन हो शायद ये।
बाकी इनके टीममेट्स भी अब जोन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो कोड 9 मुआविया हो सकता है जोन में पहुंच जाएं इनको अगर गाड़ी मिल जाती है यहाँ पर, या फिर इनको टीममेट्स जो हैं वो लेने के लिए आएंगे। यस, पीएस कैन 09 लेने के लिए आ गए हैं। सो टीम अल्टीमेट अपना एक प्लेयर अभी तक सिर्फ आर मलंग को जो है उन्होंने लूज़ किया है, बाकी प्लेयर्स को जो है वो अलाइव हैं इनके। BZR इस वक्त टॉप से जोन के अंदर आ रही है, डीप आ रही है, टीम नूब के काफ़ी करीब आ चुकी है वाटर ट्रीटमेंट में। अगर टीम नूब को इन्होंने देख लिया, अकेला प्लेयर इनका गाड़ी लेकर आ रहा है, खैर बाकी टीम जो है वो पीछे आ रही है अलग अलग गाड़ियों में। अच्छा, तो मैं भी कहूँ मैप के अंदर गाड़ियाँ कम क्यों हैं, BZR ने कोई 10 गाड़ियाँ कॉपी हुई हैं। ओए BZR वालों, तुम्हें नैब वाले पकड़ेंगे, सही बात है। जितनी तुम लोगों ने पराडो शराडो ये रखी हुई है ना, ये डीलक्स शीलक्स, ये तुम्हें नैब वाले ही पकड़ेंगे, देखना तुम। सो टीम नूब के काफ़ी करीब आ चुकी हैं, इनके कार्स के साउंड में खास टीम नूब को अभी तक नहीं आए, थोड़ी देर में आ ही जाएंगे अगर टीम नूब वाले आते हैं आगे। गाइज ये देखें, चेक करें ज़रा गाड़ी कैसे संभाल के खड़ी की हुई है, इसे कहते हैं कम्पिटिटिव गेम प्ले। यहाँ पर हमारे पास फाइट हमें नज़र आ रही है टीम वन की, KM शामू ने नाकआउट निकाला है इट्स अफरीदी वाईटी को, इट्स अफरीदी वाईटी ने इनको भी नाकआउट कर दिया है। 20S पिकाचू यहाँ पर इनको रिवाइव देते हुए, एग्जो ने इनके दोनों प्लेयर्स को फिनिश किया, और यहाँ पर टीम वन ने जो है ये फ़ाइट विन कर ली है बड़ा हैंडसमली। 2 किल्स EXDO ने निकाली हैं, एग्जो ने निकाली हैं सॉरी, और 2 किल्स शामू ने निकाली हैं। ड्रॉप था इनके पास, M249 थी, अच्छी फाइट उन्होंने विन की है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त। गोल्डन मेराडो भी इनके पास है लेकिन जल चुकी है। ST वालों को नाकआउट कर दिया है गाड़ी से, ST वाले तो भाई बड़े हाई टोन में खेल रहे हैं। किसने ST एमर को गाड़ी से गिराया, किसने की है गुस्ताखी। ST 2 फाइट्स जीती हुई है, तुम लोगों ने ST को ईजी ले लिया। ST मौजू अपने टीम मेट को क्या जवाब दे पाएंगे। एक साइड पर टीम BZR है, रिवाइव देना कुछ सिचुएशंस में बहुत मुश्किल होता है। गाड़ियां लेकर आ रहे हैं, हो सकता है कुछ यहां पर कर पाएँ। ST फरहान जो है वो गाड़ी लेकर आ चुके हैं, स्मोक हो चुकी है टीममेट को बचाया जा रहा है यहां पर, जो कि फायर स्टार्ट हुए हैं टीम BZR की तरफ से, नहीं बल्कि टीम डिस्ट्रक्टिव की तरफ से हो रहे हैं। DT किंग यहाँ पर स्प्रे देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही ये स्मोक ख़त्म होता है उससे पहले पहले इनको गाड़ी में निकलना पड़ेगा, अदरवाइज़ मुश्किल बढ़ जाएगी। यहाँ पर जैदी राजपूत जो कि टीम शिकारी का आखिरी प्लेयर लाइव था, इसने मिनी के मारे हैं और जैदी राजपूत को भी पड़ गई है राइट साइड से। तो यहाँ पर तीन टीम्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए आसानी करते हुए। यहाँ पर टीम नूब वालों की भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मूव करते हैं टीम नूब की तरफ। इनकी मेरे ख्याल से पहली फ़ाइट स्टार्ट हुई है और ये उन्हीं के साथ हुई है, BZR वालों के साथ। नहीं, ये ज़ीशान इलाही साज शाह इनके साथ हुई है, SKS और मिनी 14 दो बंदे एक ही विंडो से पीक लेते हुए, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। एंगल चेंज करें, टीम 9 जो है वो हाइट पर है, एडवांटेज पर है लेकिन ओपन है। तो टीम 7 को दूसरा एडवांटेज ये है कि वो जोन के अंदर है, तो तकरीबन 1.5 मिनट के बाद जो है वो टीम 9 को भी अपनी जगह थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। सिद्दीकी 95 को रिवाइव चाहिए, जो कि इनके टीम मेट देने में बहुत देर कर रहे हैं। नुमान इलाही को अब तक रिवाइव दे देना चाहिए था, काफ़ी स्लो आए हैं रिवाइव देने के लिए, काफ़ी देर तक इनके टीममेट जो हैं वो ब्लीड आउट होते रहे। यहाँ पर ST वालों की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है चर्सी के साथ, चर्सी के जो हैं वो आखिरी प्लेयर अलाइव हैं यहाँ पर, एक प्लेयर ओके। दो नॉकआउट चर्सी ने भी कर दिए हैं, ज़बरदस्त। ST वालों के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए एक नेड खींचा है और काफ़ी पीछे जा कर गिरा है ये नेड, चर्सी को साइड से स्प्रे पड़ते हुए ST फादी ने कवर फायर दिया, और इसके साथ ही ST वाले ये टीम ये फाइट फिर से विन कर गए हैं। ST वालों की तीसरी फाइट है जो ये विन कर चुके हैं, और आप इनके किल्स देख सकते हैं इस वक्त 4, 2, 6, 2, 8 किल्स हैं इनके पास, भाई साहब एक्सीलेंट। टीम ST हाई टोन पे खेल रही है इस वक्त,
बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले करते हुए, तीसरी फाइट इनकी जो ये विन कर चुके हैं। नूब वालों की फ़ाइट स्टिल चल रही है, यहाँ पर दो टीम्स आमने सामने हैं, काफ़ी रेंज की ये फ़ाइट चल रही है। मिनी 14 SKS मार्क्समैन राइफल्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पर, और टीम 9 ने ये रियलाइज़ किया कि उनको जोन के अंदर मूव करना चाहिए, तो बेहतर ये है कि वो जोन के अंदर ही मूव करें। और उनके दो बार जो है वो उनके प्लेयर्स को रिवाइव देना पड़ा है उनको, तो टीम 9 जो है वो बेटर अपने जोन पोजीशन सिक्योर करना चाहेगी। नौमान इलाही जोन में आ चुके हैं, इसके साथ ही राइट दो दो की ये फॉर्म्स में खेल रहे हैं, दो दो की इन्होंने वो अपने डुओ बनाया हुआ है, अच्छी स्ट्रेटजी है ये। ST वाले ड्रॉप लूट रहे हैं इस वक्त, टीम ST बहुत हाई टोन पर है, लेट्स सी टीम ST को कौन मुश्किल देता है यहाँ पर। टीम ST के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए, सॉरी टीम ST के लिए पॉइंट्स बढ़ते हुए। नमान इलाही होलोग्राफिक साइट से जो है वो फायर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मेरे ख्याल से नूब अरमान के पास 4X लगा हुआ है राइट, तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है उनको। और वो ये देखें सिद्दीकी को पड़ी है और काफ़ी लो हुए हैं, एक पड़ी है इसको मिनी 14 की, तो स्कोप्स नहीं है उनके पास। फिर भी टीम 9 जो है वो एक रेंज फाइट लेने की कोशिश कर रही है, विच इज़ वेरी ऑड। इससे बेहतर है कि आप जोन के अंदर एक पोजीशन ले लें, वरना आप विदाउट स्कोप मिरामार के अंदर रेंज फाइट में बहुत मार खाएंगे। टीम 16 स्ट्रगल करते हुए, टीम डिस्ट्रक्टिव जो है हमारे पास जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है, काफ़ी जोन का डैमेज ले चुकी है ये टीम। एग्जैक्टली तो गाइस चौथा जोन भी क्लोज इन हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि जोन कहाँ पर आ रहा है, वाटर ट्रीटमेंट में। तो मैंने प्रेडिक्ट क्या किया था, जाके 10 मिनट पहले का मेरा वॉइस क्लिप सुन लें। एक और नॉक निकाला नूब अरमान ने, यहाँ पर साइको वालों की भी एक फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मूव करेंगे साइको की तरफ राइट। टीम 6 के साथ साइको वालों की फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एक नॉक निकाला था लेकिन रिवाइव हो चुके हैं साइको मन्नान, काफ़ी ज़्यादा मार्क्समैन चल रही है राइट। जो मैंने बात कही थी कि टीम डिस्ट्रक्टिव जो है वो जोन से जाएगी, और वही बात हो रही है यहाँ पर। ST फरहान ने ग्रेनेड से ख़त्म किया जहदी राजपूत को, जो कि टीम शिकारी का आखिरी प्लेयर था, और टीम शिकारी जो है वो 13 नंबर पर जो है वो यहाँ से बाहर हो चुकी है। अब इस वक्त दो फाइट्स कंटिन्यूसली चल रही हैं, एक टीम 9 और 7 के दरमियान, और दूसरी अभी साइको वालों की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है टीम 6 के साथ। तो ये एक दो रेंज फाइट्स चल रही हैं बड़ी देर से। BT वालों को अगर हम स्पेक्टेट करने की कोशिश करें, तो BT वाले जो हैं वो इस वक्त BT मार्को और M416 300 फेनिक्स के पास जो है वो एक स्नाइपर है, कार 98 आई गेस 70S जल्लाद के पास स्नाइपर नहीं है, BT हॉक के पास भी स्नाइपर नहीं है। तो टीम नूब के प्लेयर्स जो हैं वो जोन के अंदर क्लोजिंग कर रहे हैं, और ये जिस हिल की तरफ जा रहे हैं उसके ऊपर ऑलरेडी BT वाले हैं, और BT वालों को पीछे से साउंड आ जाना चाहिए अब तक। यहाँ पर कोड 9 माविया वालों की टीम अल्टीमेट की जो है वो फाइट स्टार्ट हो चुकी है, मूव करते हैं इनकी तरफ, और काफ़ी क्लोज हैं, इनके सामने हैं बिल्कुल XAW राइट। XA हेल जो है वो एक ट्री के कवर में है, रोटेट करते हुए अच्छी पोजीशन, XA हेल को लो किया, नॉकआउट निकाला, मुश्किलात बढ़ते हुए टीम XA के लिए, XAW के लिए। कोड 9 अल्फा का स्प्रे पड़ा, जैन का कोड 9 माविया ने कवर फाइट दिया, बहुत ज़बरदस्त, दोनों टीम्स की तरफ से बहुत ज़बरदस्त फाइट हो रही है इस वक्त। BKZ हमज़ा सिर्फ अलाइव हैं, देखते हैं BKZ हमज़ा क्या कर पाते हैं यहाँ पर। एम नहीं था, कोड 9 माविया ने पहले ही निकल कर फिनिश कर दिया। तो टीम अल्टीमेट इस वक्त अपनी अल्टीमेट पोजीशन को संभालते हुए ऊपर आते हुए, टीम अल्टीमेट एक प्लेयर अपना लूज़ कर चुकी है यहाँ पर भी,
टीम मंसूर की फाइट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मूव करते हैं इनकी तरफ। एसटी वालों की भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सब काफ़ी टीम्स जो हैं वो क्लोज इन कर चुकी हैं, तो काफ़ी फाइट्स में देखने को मिलेंगी। 300 फिनिक्स, ओके जी, इनको भी देख लेते हैं। फिनिश किया नूब खालिद को। नूब टीम नूब के जो हैं वो प्लेयर्स मेरे ख्याल से फिनिश हो चुके हैं यहाँ पर। राइट, टीम नूब को जोन के अंदर आने का जो है वो मुश्किल हो रही थी, और टीम 300 फिनिक्स जो कि टीम 6 है, इन्होंने इनको फिनिश कर दिया है। और यहाँ पर स्मोक करके इजीली आप लूट करेंगे। टीम डिस्ट्रक्टिव के एक प्लेयर जो है वो ब्लीड आउट हो गए थे, दूसरे प्लेयर जो हैं वो दो एसटी वालों के करीब आ चुके हैं। एसटी वालों के बगी का साउंड सुन चुके हैं, लेकिन एसटी वाले जो हैं वो आगे जा रहे हैं, जोन के अंदर जा रहे हैं इस वक्त। अगर आप देखें तो 9 टीम्स लाइव हैं, और जोन अगर आप देखें तो इंतहाई क्लोज है। सो टीम्स ज़्यादा हैं, 28 प्लेयर्स लाइव हैं, बहुत इंटेंस फाइट शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में। टीम एसटी के ऊपर ही स्प्रे हो रहा है, बग्गी इनकी काफ़ी डैमेज है। साइको मन्नान ने यहाँ एक किल निकाली है। मूव करते हैं साइको की तरफ। टीम वन की भी यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ 20 एस पिकाचू यहाँ पर लाइव हैं, रिवाइव दे रही हैं अपने प्लेयर्स को। और टीम एसटी जो है वो इनके राइट साइड पर आ चुकी है, मेरे ख्याल से वो देख लेंगे इनको। वही हुआ, टीम एसटी वालों ने स्प्रे दिया, मुश्किलात बढ़ते हुए 20 एस पिकाचू के लिए। और बहुत ज़बरदस्त स्प्रे था BZR का, 20 एस पिकाचू को भी फिनिश किया यहाँ पर। एक अच्छा स्प्रे था। कोड नाइन अल्फा ने भी यहाँ पर जो है वो बैक से फायर दिया, और फाइट इंटेंस स्टार्ट हो चुकी है। टीम एसटी इस वक्त बिल्कुल फाइट के बीचों बीच है। कार 98 एसटी अहमद यूज़ करते हुए। साइको शाहजेब ने इस वक्त एक और प्लेयर को नॉकआउट किया। काफ़ी हैवी स्प्रेज चल रहे हैं यहाँ पर। साइको मन्नान अकेले ज़िंदा हैं इस वक्त, साइको का पूरा स्क्वाड डेड हो चुका है। ओके जी, टीम डिस्ट्रक्टिव के आसिम ने एक किल निकाला है यहाँ पर, और आसिम को भी फिनिश कर दिया है इस वक्त टीम 11 ने। ओके जी, कोड 9 अल्फा, काफ़ी फाइट्स चल रही हैं यहाँ पर। 300 वालों की फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है। मूव करते हैं 300 वालों की तरफ। गरोज़ा 70 एस जल्लाद, रिवाइव मिल जाएगा टीममेट को। टीममेट के एक प्लेयर बिल्कुल पीछे हैं इनके, साइको शाहजेब ब्लीड आउट हो जाएंगे। साइको मन्नान मेरे ख्याल से अकेले ज़िंदा हैं, अब जोन के अंदर जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता प्रोन होकर। किमसियन मेडिक शेरोंसी नेट को एम ले रहे हैं BZR शाहरुख। AKM के ऊपर 3x। इस वक्त टीम 11 की जो पोजीशन है वो इंतहाई अच्छी है। कुछ डैमेज लिया BT हॉक ने, लेकिन 2x का स्प्रे था, बहुत एक्यूरेट नहीं था। टीम 6 से अगर बात करें तो वो इस वक्त कंटिन्यूसली एक फ़ाइट ले रही है। 70 एस जल्लाद को स्प्रे पड़ता हुआ प्रोन हो गए हैं। 6 टीम्स, 16 प्लेयर्स, इंटेंस फाइट होने जा रही है यहाँ पर। बहुत हैवी फाइट हो रही है, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स जो हैं वो इस वक्त लाइव हैं। रोटेट डाल रहे हैं टीम अल्टीमेट की तरफ ये टीम 6 वाले। अच्छा रोटेट है अगर ये टीम अल्टीमेट को जो है वो आउट नंबर्ड कर सकें, बिकॉज इनके पास अलाइव प्लेयर ज़्यादा हैं। बैक से इनके ऊपर अटैक है चुका है साइको वालों की तरफ से। साइको मन्नान ने फिनिश किया इनके एक प्लेयर को, और यहाँ पर साइको के अलॉन प्लेयर जो कि ज़िंदा हैं, क्या ये बच पाएंगे या जोन से ब्लीड आउट होकर मर जाएंगे। वही हुआ, जोन से ब्लीड होकर ख़त्म हुए। यहाँ पर टीम अल्टीमेट की भी फ़ाइट स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एसटी वालों की अगली फ़ाइट स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर दो प्लेयर्स को नॉकआउट निकाला एसटी वालों ने, बहुत हैवी फाइट्स के साथ खेल रहे हैं। कोड 9 अल्फा, कोड 9 मुआविया क्या कर रहे हैं,
कि जी टीम सिक्स के लिए मुश्किलात बढ़ते हुए कोड नाइन मुआविया ने पूरी तवज्जो उनकी तरफ रखी हुई है। किमसिन मेडी के कैप्टन रिजवान भी थोड़ा सा उसके राइट पर हैं। सो टीम सिक्स के लिए मुश्किलात इस तरह से भी बढ़ते हुए कि कैप्टन रिजवान भी एक साइड से जो है वो उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। पांच टीम्स अलाइव हैं। कोड नाइन अल्फा यहाँ पर कुछ स्प्रे करते हुए स्प्रे दिया था, एस टी मोजू को नाकआउट किया था, लेकिन एस टी अहमद का रिटेलिएशन फायर आया और इसके साथ ही कोड नाइन अल्फा को रिवाइव मिल जाएगा। लेकिन एस टी वाले जो हैं वो रश करने के लिए आ रहे हैं, ऊपर आ चुके हैं काफ़ी। एस टी मोजू आगे ओके जी बहुत करीब आ चुके हैं। एस टी मोजू क्या इनको रिवाइव देंगे या रश करेंगे? लेट्स सी, रिवाइव देना बेहतर समझा। एस टी फरहान रश करने के लिए आगे जाएंगे या नहीं देखना ये है। बी जेडार की पोजीशन काफ़ी स्टेबल है, जोन के अंदर हैं और एक मेरे ख्याल से कंपाउंड भी लिया हुआ है इन्होंने। तो देखते हैं यहाँ पर टीम अल्टीमेट क्या अपने सर्वाइव कर पाती है। और टीम अल्टीमेट की हेल्प करने के लिए 300 वाले आ गए हैं। 300 वालों ने टीम अल्टीमेट के कोड नाइन अल्फा को फिनिश किया। मुआविया भी यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे बिकॉज 300 वालों ने रिटेलिएशन फायर दिया बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और 300 फिनिक्स 4 किल्स के साथ एस टी वाले स्टिल ऑन द रोल। टीम एस टी इस वक्त छाई हुई है इस मैप में। एस टी फरहान नहीं बच पाएंगे, स्प्रे बहुत हैवी था, मुश्किल होगा बचना। साइड से स्प्रे पड़ चुका है। एस टी अहमद भी नॉकआउट हुए। एस टी मोजू अलाइव हैं, क्या कुछ कर पाएंगे? यहाँ पर जोन क्लोज इन कर रहा है, मुश्किलात बढ़ते हुए। बीजेडार नुमान खान जोन से गए, बीजेडार अहमद ओ पी भी जोन से ही गए। सो टीम जो बीजेडार है वो सारी की सारी जोन से गई। एस टी फादी यहाँ पर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे और एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पर दो प्लेयर्स को फिनिश किया। एस टी फादी ने 300 फोनिक्स को कम्प्लीट किया। दो प्लेयर्स अलाइव हैं टीम सिक्स के। ज़बरदस्त प्रे एस टी फादी का। 70 एस जल्लाद अकेले ज़िंदा हैं और टीम एस टी श्योरली ये चिकन डिनर क्लेम करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट बन चुकी है। क्लोज इन करते हुए ग्रेनेड्स करवाते हुए 70 एस जल्लाद क्या कुछ कर पाएंगे यहाँ पर देखते हैं। बहुत मुश्किल है मेरे भाई। टीम एस टी स्टार्ट से ही ऑन द रोल फाइट्स विन करते करते। और किल नंबर अगर इनके पास देखें तो 7+2 9+2 11+5 16 किल्स के साथ। ज़बरदस्त किल्स, ज़बरदस्त पॉइंट्स, चिकन डिनर, वेल डिज़र्व चिकन डिनर। बहुत अच्छा खेला है टीम एस टी ने। सेकंड नंबर पर टीम ये 70 एस जल्लाद वालों की है। थर्ड पर बीजेडार, फोर पर टीम अल्टीमेट, फाइव पर किमसियान मेडिक, सिक्स पर साइको, सेवन पर जो है ये टीम ज़ीशान इलाही वालों की है, एट पर टीम डिस्ट्रक्टिव है, नाइन पर जो है वो टीम डोमिनेटर्स है, टेन पर नूब, एलेवन पर टीम मंसूर मलिक वालों की है, ट्वेल्व पर टीम XAW, थर्टीन पर टीम शिकारी, फोर्टीन पर टीम चर्सी और फिफ्टीन पर जो है वो ल्यूकस आर्मी। अच्छी गेम, अच्छा मिरामर का ये मैच हुआ।